आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एंकर टैग के बारे में। सो एंकर टैग क्या है और एक तरीके का एट्रीब्यूट का काम करता है, तो ये कैसे काम करता है चलिए बात करते हैं। सो गाइज, एंकर टैग का यूज़ करते हैं एक पेज से दूसरे पेज में जंप करने के लिए। कैसे आप अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सो गाइज, अगर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लें और आप वहाँ से जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी बात कर पाएंगे। और इस वीडियो में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइज, यहाँ पर बात होती है एंकर टैग की। सो एंकर टैग के लिए हमें क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जिस पेज को ओपन किया हूँ वो आप देख सकते हैं, सिंपल यहाँ पे एंकर टैग के अंदर हूँ लाइक ये। और इसके अंदर मैंने एक छोटा सा वेब पेज बना रखा है जो कि यहाँ पे दिस इज HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगनर, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें एंड क्लिक ऑन गिवन लिंक फॉर मोर डिटेल। ओके, सो मैंने क्या कर दिया, क्लिक ऑन गिवन लिंक फॉर मोर डिटेल, कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया। अब देख सकते हैं इतना कुछ आ गया। उसके बाद गाइज यहाँ पे बात होती है कि कैसे एंकर टैग का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे एक तरीके का मैं लिख देता हूँ, जैसे मेरे पास एक एट्रीब्यूट नाम का ये पेज है, मैं चाहता हूँ एंकर टैग के अंदर हूँ, एंकर पेज के अंदर हूँ और इसके थ्रू इस पेज को ओपन करना चाहता हूँ। सो कैसे मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, सो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ एक टैग ओपन करता हूँ ए एंकर के लिए, और यहाँ पे HREF इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मुझे लिखना है जो भी पेज का नाम है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ AttriBU एट्रीब्यूट्स डॉट HTML पेज है तो डॉट HTML, और मुझे इसको क्लोज कर देना है और यहाँ पे लिख देना है जो भी आप क्लिक लिखना चाहते हैं। सो वेब लिंक मैं यहाँ पे दे देता हूँ वेब लिंक। ओके, और फिर मैं उसी टैग से इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे उसी टैग से इसको क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल एस से सेव करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आ गया यहाँ पे वेब लिंक। सो यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगनर, क्लिक ऑन गिवन लिंक फॉर मोर डिटेल। सो लिंक यहीं पे आ जा रहा है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे BR टैग ब्रेक टैग लगा दें, सिंपल कुछ नहीं, इसका ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं होता, सिंपल आप लिख दो BR और इसको सेव कर दो। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे सेव करते हैं, आप कंट्रोल एस मैंने किया, सो अब देखिए यहाँ पे लिंक जो है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, है ना। सो अब इस तरीके से आप BR टैग के थ्रू आपने अप्लाई कर दिया। और भी अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं और थोड़ा सा नीचे लिंक को अप्लाई करना चाहते हैं, सो अगेन आप यहाँ पे लिख सकते हैं BR एंड सेव कर दीजिए, रिफ्रेश करिए, देखिए थोड़ा और लिंक नीचे आ गया। अब इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप अपने अपने ऑटोमेटिक एंकर से आप ऑटोमेटिक एट्रीब्यूट के अंदर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब देखिए एट्रीब्यूट के अंदर ये पेज ओपन है। मैं एक बार एट्रीब्यूट को ओपन करके दिखाता हूँ। सो देखिए इसके अंदर मैंने एक इमेज लगा रखा है और अभी मैं प्रेजेंट टाइम में काम कहाँ पे कर रहा हूँ, इसके अंदर कर रहा हूँ, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा एंकर टैग काम करता है। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।